हे गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है सभी का अन अकेडमी के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए whether we live or not and whether the audio and the video is fine or not। हां जी बाबू, एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो कंफर्म कीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट राइट अवे। हाय राज, वरुण, गौतम, नवीन, संयम, श्रीवरम, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बापू, चैनल, इस चैनल पे मैं पहली बार आया हूं, बट अगेन चैनल से मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सी, मैं हमेशा से मानता हूं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ समय के लिए एक्सट्रीम मेहनत करेंगे, उसका रिवॉर्ड बहुत लॉन्ग टर्म मिलता है। और ये जो अगला समय है, अंतिम का 20 डेज, 20 क्यों मैं कह रहा हूं, कुछ दिन बाद एग्जाम है, एक हफ्ते बाद, और उसके बाद एग्जाम का समय, तो ये जो अगला आप मान के चलिए 3 वीक्स है, ये वो समय है ना कि अगर आपने यहां पर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करके, थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा लगा के अगर आपने मेहनत किया, उसका फायदा बाबू बहुत लॉन्ग टर्म मिलेगा। ठीक है, ये वो समय है। एंड आई अंडरस्टैंड कि कई बार बच्चा बोलता है कि सर सिलेबस काफी ज्यादा है। अगर हम कुछ ये बता पाए कि सर कहां से क्वेश्चन आएगा या कहां से नहीं आएगा, तो सुनिए ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं। आज है बाबू 23rd अक्टूबर, एग्जाम में वैसे भी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हाईलाइट करा दूंगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। 24th अक्टूबर को हम लोग जो आपके जितने भी आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चन हैं, आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर हैं, इसमें गेस क्वेश्चन नहीं, पर जो ट्रिकी क्वेश्चन हैं 50 EIS के एंड 50 SM के, ये वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप एग्जाम से एक दिन पहले आप दोबारा चेक करेंगे। मैं वो भी आपको करा दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, विदिन 2 आवर्स ईच। एक तरह से आपका एक पूरे का पूरा दिव्यास्त्र रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने ये सेशन किया उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, कॉन्फिडेंट कि आप 40 करके जाएंगे। और ये जो मैं क्वेश्चंस कल और परसों बताऊंगा, बस आप वो क्वेश्चन करके जाएंगे, आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। दैट्स इट। चलिए यहां तक कोई डाउट, Anybody, जिनको कोई भी डाउट है इस बारे में कि हम लोग आज कल और परसों क्या करने वाले हैं? बाबू टॉपिक कौन सा एक्सक्लूड होगा, उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आईसीआई रिपीट नहीं करता है, तो हर वो टॉपिक जिससे क्वेश्चन आ गया है, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस हम लोग हाईलाइट करेंगे। अगेन सेलेक्टिव स्टडी, जिनको पता है जो मुझसे पढ़े हैं, सेलेक्टिव स्टडी मैं खुद नहीं करवाता हूं, बट एट द सेम टाइम अगर हम ये निकाल सके कि सर कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। चलिए अब सुनिए ध्यान से, जो आपके इंडिविजुअल डाउट्स है वो मैं बाद में ले लूंगा, पहले हम लोग ये सेशन एंड करते हैं। आज का जो सेशन होगा वो 30 मिनट में हो जाएगा, और कल और परसों वाले वी विल टेक अराउंड 2 आवर्स, बट आप समझिए जो 50 to 60, नॉट नेसेसरी 50, ये 50 to 60 होगा, बट सबसे बढ़िया वाले जो क्वेश्चंस हैं, टॉप क्वालिटी वाले, वो आपका एक बार फिर से डिस्कस हो जाएगा। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या हम स्टार्ट करें? जल्दी से बताइए क्या हम लोग स्टार्ट करें? हां जी नताशा बाबू, एग्जैक्टली सही पकड़े हैं। अच्छा एक और पॉइंट, जो बच्चे इस चैनल पे मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, कई बच्चों को पता नहीं होगा। एंड अगर आपको लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं उससे वैल्यू एडिशन है, क्योंकि आप समझो ये सब क्वेश्चन निकालने में समय लगता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस आए और आपको बता दिए, बैकग्राउंड समय लगता है। अगर आपको लगता है वैल्यू एडिशन है,
आप लाइक एंड कमेंट कर सकते, कमेंट कीजिएगा बाद में। चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर वन EIS का। आपको इसमें जो बेनिफिट्स ऑफ बीपीए हैं आप इसे सिप कर सकते हो, इसको करने की जरूरत नहीं है। देखो हालांकि आपको याद होगा क्यूसी ट्रिक, बट आप समझ रहे हो ना, एग्जाम के समय जितना पेज कम हो जाए, अगर 10 पेज भी कम हो रहा है उसमें ना वही एक एडवांटेज होता है, तो इसको एसेस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो सारे टर्म्स है इसको बाबू याद मत कीजिएगा, इट्स जस्ट फॉर एमसीक्यू में आ सकता है। ये इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो क्लास में कराया गया है वो करना है। एक होता है ना जैसे आपको बेनिफिट्स, प्रोसेस, मेरिट, डिमेरिट, वो याद करना होता है तमीज से। इसको आप बस रीडिंग करेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, एग्जाम में आपका काम चल जाएगा, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट एमसीक्यू प्लस अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अलावा ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब करना, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको पली करा हूं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। जो आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है इग्नोर कर दीजिएगा। देन ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो सिक्स बिजनेस प्रोसेस है, अब फिक्स असेट को हटा दीजिए, इसका चांस ऑलमोस्ट न के बराबर है, तो ये वाला आप इग्नोर कर सकते हैं सेफली। अच्छा, आप लोग साथ साथ कर रहे हैं ना बेटा, एक सेकेंड, आप लोग साथ साथ आप लोग कहीं पे लिख रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? ओके, एक्चुअली मैं जो भी बोल रहा हूं और जो आपको सुनाई दे रहा है उसमें आई थिंक 10-15 सेकेंड का लैग है, यूट्यूब पे होता है बाबू। स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं एंड में टेकअप करूंगा, ठीक है, अभी आप साथ साथ कीजिए। जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो मैं एंड में टेकअप कर लूंगा, डोंट वरी। आगे तो ये आपका फिक्स असेट को हटा देना है, ये वाला आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा आपका बच गया। इसके अलावा जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट में जो आपका ऑब्जेक्टिव एडवांटेज है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव एडवांटेज है आईटी एक्ट का वो भी आप इग्नोर कर सकते हैं। एक तरह से आप बोलो तो दो क्वेश्चन हो गया, आपको पता है एडवांटेज से ही ऑब्जेक्टिव निकालना था, वो दोनों टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, दैट्स इट। तो चैप्टर वन में हम लोगों ने बाबू मोटा मोटा चार टॉपिक आपको बोला जिसको आप ध्यान में दीजिएगा, बाकी टॉपिक्स आपको बड़े अच्छे से करने होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर टू में, इसमें बाबू देखिए सबसे पहले तो आपको स्किप करना है। देखो ये तो आपको वैसे नहीं पढ़ना है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था अकाउंटिंग फ्लो का एग्जाम में दो है, वो आपको नहीं करना है। इसके अलावा या ये आप स्किप कर दीजिएगा, ये भी स्किप कर दीजिएगा, ये दोनों भी एग्जाम में नहीं आएंगे। अच्छा एक और पॉइंट सर, अगर गलती से आ गया तो, देखो बाबू मतलब ये बात तो फैक्ट है, एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं है दुनिया में, एब्सोल्यूट तो ये भी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं और कल को क्या होगा, तो एब्सोल्यूट नहीं, बट हां एक रीजनेबल तरीका है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सब नहीं आएगा इस बार नहीं आएगा, एंड इंस्टॉल वर्सेस क्लाउड ऐप भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट ईआरपी का बेनिफिट इग्नोर कर दीजिएगा, ईआरपी का बेनिफिट भी इग्नोर कर दीजिए। देन ठीक है, इसके अलावा ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एफएल मॉड्यूल जो सबसे क्रिटिकल है इसी को हटा दीजिए, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो 10 है। अब देखो बाबू इनमें से ना क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट ट्रेडिशनली ऐसा देखा गया है, ट्रेडिशनली
कि कंट्रोलिंग सेल, मटेरियल, प्रोडक्शन, कस्टमर, क्वालिटी, प्लांट, ट्रेडिशनली इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं एफएनए नहीं करना है, बाकी कर लीजिएगा, रेस्ट मैंने आपको बता दिया किस पे ध्यान ज्यादा देना है। सप्लाई चेन बाबू एसएम में आपको पढ़ना होता है, तो वो ज्ञान आप वहां से भी ले सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 से। चलिए एंड दैट्स इट, बाकी आपको करना है चैप्टर 2 में, आपको बाकी करना है। चैप्टर 3 पे आइए, चैप्टर 2 में हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 चार टॉपिक हमने यहां भी स्किप करा दिया। क्या क्या? एफएनए मॉड्यूल, ऐप का जो 3 लेयर है, क्लाउड वर्सेस इंस्टॉल्ड एंड ईआरपी बेनिफिट्स। नेक्स्ट है बाबू चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 सबसे बड़ा है। सबसे पहले आई डोंट थिंक पहले पेज से आएगा, तो पहला पेज बस हवा हवा में। आईएस मॉडल देखो सेफली छोड़ सकते हैं, रेयरेस्ट केस में तो भैया कुछ भी आ सकता है, मैं फिर बता रहा हूं, रेयरेस्ट केस में कुछ भी आ सकता है, सेफली आप इसको छोड़ सकते हैं सेफली। इसके अलावा नेक्स्ट है, ये सब सही है, ये सब आ सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क आप स्किप कर सकते हो, मतलब ये सब आप स्किप कर सकते हैं, जो चारों चारों जो इश्यूज हैं, जो ये टाइप्स हैं, ये सब आप स्किप कर सकते हैं, एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा। बट सर क्या बेनिफिट्स भी नहीं आएगा? सर ये आ सकता है, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर वाला जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो आप छोड़ दीजिएगा, इश्यूज नहीं आएगा, राउटिंग बैंडविड्थ वगैरह, टाइप्स वगैरह भी नहीं आएगा। इसके अलावा ये वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिटिकल कंट्रोल्स, हाँ इसमें सारे हैं। इस बार के लिए ना इसमें कुछ आपको रिलीफ है, कुछ रिलीफ है। आइए सबसे पहला है आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट, पेज नंबर 3.21 पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट आप इग्नोर कर दीजिए, नहीं आएगा आईएस मैनेजमेंट, नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ इस बार बाबू ऐप कंट्रोल से आने के चांसेस ज्यादा हैं, इस बार इनमें से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं बाकी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में। तो ऐप कंट्रोल इंपॉर्टेंट होगा इस बार के लिए, एंड ये नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएस ऑडिट नहीं आएगा, रीजन फॉर आईएस ऑडिट नहीं आएगा, तो ये दो आप हटा सकते हैं। देन बच्चा कह रहा है कि सर व्हाट इफ इट विल कम, अनस बाबू देखो अगर इतना सर्टेनिटी चाहिए ना बाबू तो 40 किसने बनाया है, मैंने बनाया है, क्वेश्चन में किसने बनाया है, मैंने बनाया है, तो आपको बना के दे दिया गया है ना, तो पढ़ लो ना सारा, आपके लिए फिर लेक्चर नहीं है, ये सेशन बाबू एंड कर दीजिए आप। हमने पूरा रिविजन भी करा दिया, लेक्चर भी करा दिया, फास्टैग भी करा दिया, रिविजन भी करा दिया, कल 50-50 क्वेश्चन भी कराएंगे, 50-60 क्वेश्चन ईच, तो अराउंड 120 क्वेश्चन भी कराएंगे, तो भी स्किप कर दो, इतना लोड मत दो बाबू, ठीक है, इतना लोड मत दीजिए। आने को बिल्कुल आ सकता है, आने को भी दुनिया में कुछ भी आ सकता है, ये बस एक इंटेलिजेंट तरीका है पता करने का कि जिसके आने के चांसेस कम है। हम लोग जब स्टूडेंट थे तब भी ऐसा एनालिसिस करते थे, अभी भी कर रहे हैं, नॉर्मली फेल नहीं होता है, हो सकता है एक क्वेश्चन का रिस्क है। बाकी बच्चे ध्यान दीजिए, रीजन वगैरह नहीं आएगा। देन ओके, उसके बाद टूल्स वगैरह आ सकता है, टूल्स वगैरह आ सकता है, ऑडिट ला सकता है। ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल इग्नोर कर दीजिएगा, इसके चक्कर में ये वाला इस बार इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एनवायरमेंटल कंट्रोल का ऑडिट आप इस बार इग्नोर कर सकते हैं। दैट्स इट,
आईएस मॉडल, ठीक है, इतना आपका चैप्टर थ्री में स्किप हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर फोर में, चैप्टर फोर थोड़ा बड़ा है बट इसमें ना ज्यादा स्किप करने वाला नहीं है, फिर भी एक तो बाबू इसका जो कंट्रोल्स है ये सब पढ़ना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये कंट्रोल आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये नहीं आएगा इस बार, ये कई बार आ चुका है और इसके पहले भी आया था, इस बार इसके आने के चांसेस में के बराबर है, तो आप कंट्रोल फॉर मैनेजिंग रिस्क वो आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद मेन है आपका जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें ग्रीन कंप्यूटिंग, सबसे पहले ग्रीन कंप्यूटिंग आप छोड़ दीजिएगा भाई, टोटल 10 प्लस है तो ग्रीन कंप्यूटिंग तो छोड़ दीजिए, ये वाला इसका बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह नहीं आएगा, बट हाँ हो सके तो एक दो मार्क्स में आपका ये आ जाए, मे बी एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए, बट जो ग्रीन प्रैक्टिस के बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह है वो करने का जरूरत इस बार नहीं है। साथ ही साथ जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग ये वाला, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, टाइप्स करने की जरूरत नहीं है एंड एडवांटेज करने की जरूरत नहीं है, एडवांटेज तो जो आपका पावर एम मैंने कराया था वो करने की जरूरत नहीं है, टाइप्स कराने के लिए आपको दुनिया भर का एग्जांपल दिया था वो भी इस बार करने की जरूरत नहीं है। तो क्लाउड के अंदर दो टॉपिक छूट गया, ग्रीन कंप्यूटिंग आप सेफली छोड़ सकते हैं और जो कंट्रोल्स फॉर मैनेजिंग रिस्क है वो भी आप ई कॉमर्स का छोड़ सकते हैं, तो चार टॉपिक आपका यहां पर भी स्किप हो सकता है। भगवान करे इस बार कम से कम ब्लॉकचेन से आ जाए, वरना इतना एफर्ट हमने लगाया वो सारा का सारा एफर्ट बर्बाद हो जाएगा, तो इस पर आपको पता है हमने काफी एफर्ट लगाया था, होपफुली इस बार आ जाए भाई, होप कर सकते हैं। बाकी देखो इसमें अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है कम से कम शॉर्टकट और हेडिंग याद कर लीजिएगा जो हमने क्लास में कराया था, तो इसमें आपका ग्रीन कंप्यूटिंग पूरा इग्नोर, क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज, टाइप्स और कंट्रोल में वो वेबसाइट को इंट्रूजन से कैसे बचाना है वो वाला। कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग में सबसे पहले जो आईटी रिस्क है या उससे पहले जो स्टेप्स फॉर इंप्लीमेंटेशन है, और एक और है रेमिटेंस, ये वाला पहले तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, रेमिटेंस इस बार आने के चांसेस नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट मेल ट्रांसफर वगैरह, या ये कह सकते हैं कि सर या ये वाला आप इग्नोर कर सकते हो, रेमिटेंस कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा आरटीजीएस वगैरह इग्नोर कर सकते हैं। देन आईटी रिस्क, एटीएमसीएस गुड फीचर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, एटीएमसीएस करने की जरूरत नहीं है, होपफुली इस बार कोई भी सर्वर से उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एमसीक्यू पिक कर सकता है वो, और एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ये दोनों, बट ये याद रखिएगा कि एटीएमसीएस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। देन है बाबू ये ना हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा साइबर सिक्योरिटी के दोनों, इंप्लीमेंटेशन आप स्किप कर दीजिएगा, इट्स ओके, इंप्लीमेंटेशन दोबारा विदाउट ही चांसेस नहीं आएगा, एंड आईटी रिस्क, जो आईटी रिस्क है ये भी नहीं आएगा, हालांकि हम लोगों ने इस बार भी पाकिस्तान के साथ उनको मौका नहीं दिया अगर आपने मैच थोड़ा भी फॉलो करते हैं या नहीं भी फॉलो करते, जैसे मैं उतना मैच फॉलो नहीं करता हूं, बट मुझे पता है कि हमने पाकिस्तान को मौका नहीं दिया और बहुत तबीयत से उनको जो पटाखे थे वो अगले वर्ल्ड कप का इंतजार करना पड़ेगा, बट कोई नहीं। चलिए ये हो गया आपका एटीएमसीएसआईटीएस, दैट्स इट, बस बाकी वो करना पड़ेगा, रेस्ट यू विल हैव टू डू इट। तो यहां पे हमने क्या क्या छोड़ा, एटीएमसीएस
आईटी रिस्क, जो स्टेप्स है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जो पीएफ संजय दत्त वाला है, एंड रेमिटेंस एंड ईएफटी। चलिए नेक्स्ट है एसएम। एसएम में ये बताओ या ये हो गया पूरा? नमन बाबू देखो आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है बाबू। ये एक ऑब्जर्वेशन है, आईसीआई रिपीट नहीं करता है, ठीक है? ये बस एक उसका ऑब्जर्वेशन है, जिसको नहीं करना भी आप कर लो ना पूरा। मतलब आई डोंट नो ये क्यों इतना कंफ्लिक्ट आ रहा है। ये नमन भाई, फैजान भाई, ये प्रोफेशनल जजमेंट है, सिंपल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट एसएम। अब सुनिए, एसएम में सबसे पहले तो इंप्लीमेंटेशन का जो लिमिटेशन है सीटीआर, आप इसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? आगे बेटा ये है थोसा, इस बार इसके चांसेस थोड़े कम हैं। इसका डायरेक्टली मतलब हुआ कि इस बार बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने का, वो जो एजुकेशन, मेडिकल, गवर्नमेंट या जो अदर एनजीओज वाले हैं ना, उसके चांसेस बहुत ज्यादा इस बार आने को। चैप्टर नंबर वन से देखो, चैप्टर वन से भी पांच पांच से क्वेश्चन आएगा, ज्यादा चांस है इस बार एजुकेशन वाला आने का। स्ट्रैटेजिक लेवल वाला जो क्वेश्चन होता है ये वाला, इस बार आप स्किप कर सकते हो या ज्यादा ध्यान उस समय मत दीजिएगा। दिस वन द 7 पॉइंट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट। आगे चैप्टर टू में, हाँ चैप्टर टू में ना ज्यादा नहीं छोड़ सकते यार, ये ना थोड़ा सा दिक्कत है। चैप्टर टू बड़ा है आई अंडरस्टैंड, बट इसमें देखो जिसको भी लगे ना बाबू, इसको आपको रट्टा नहीं मारना है प्लीज। इसको आप रीड करेंगे जो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, आपको जो याद करना है वो ये वाले पॉइंट्स है। जो क्वेश्चन आएगा वो स्पेसिफिक आता है किसी एक पॉइंट से, तो फोकस कीजिएगा इश्यूज पे रैदर देन कि आप ऊपर वाले रट्टा मार रहे। ऊपर वाले को आप रीड करेंगे, दैट्स इट, याद आप नीचे वाले करेंगे जिसके लिए आपको शॉर्टकट दिया हुआ है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। अब सुनिए इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, हाँ ये वाला, ये आप रिसीव कर सकते हैं, ये वाला दिस यू कैन स्किप। रिसोर्स कैपेबिलिटीज एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये दोनों आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा टॉस कहाँ गया? टॉस बाबू इस बार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट पड़ता है आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस में भी। नहीं सॉरी, ठीक है टॉस को आप इग्नोर कर सकते हैं, टॉस को। चलिए चैप्टर थ्री में ये जो आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वाला पार्ट है, ये वाला आप स्किप कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो डिफिनेशन है आप स्किप कर सकते हैं, जो कैटेस्टिक्स है हालांकि हमने शॉर्टकट दिया था 16, वो भी आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ये चैप्टर छोटा सा है, वो कर लीजिएगा। चैप्टर फोर में टर्न अराउंड आने के चांसेस इस बार अगेन बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, बट जो डाइवेस्टमेंट वगैरह है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इस बार के लिए टर्न अराउंड विल बी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। एंड
मर्जर एंड एक्विजिशन आप फिर भी स्किप कर सकते हो। तो इस बार जब आप करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, केवल मर्जर एंड एक्विजिशन को उतना ध्यान मत दीजिएगा, मर्जर को, और टर्न अराउंड को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बाबू, चैप्टर 5 भी छोटा है बट कई बार यहां से दो क्वेश्चन आता है। अब दो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक आएगा जेनरिक स्ट्रेटजी और एक आएगा माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल। जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसमें ना एक बच्चों वाला जो था बायर का, बायर वाला आप स्किप कर दीजिएगा, जो 5 है बायर वाला को स्किप कर दीजिएगा, बाकी इसे आ सकता है। और इसमें ना मैं स्किप नहीं करवा रहा हूं बट डिफरेंशिएशन पे फोकस ज्यादा कीजिएगा, मैं कोई स्किप नहीं करा रहा हूं, इस पे फोकस ज्यादा रखिएगा, इस पे फोकस कम रखिएगा, इस पे फोकस ज्यादा होना चाहिए डिफरेंशिएशन। एंड ऑब्वियसली एक जो बेस्ट कॉस्ट वाला है वो वाला बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी, सीएल पे बस रीडिंग कर लीजिएगा, एकदम डीप में मत जाइएगा उसके। देन चैप्टर 6 में आप आरएनडी स्किप कर सकते हो। चैप्टर 6 में इस बार के लिए मार्केटिंग फाइनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप आरएनडी वाला जो पॉइंट है वो आप स्किप कर दो, नॉर्मली वो रिपीट नहीं होगा। आरएनडी वैसे भी कम इंपॉर्टेंट था, लास्ट टाइम आ चुका है, तो इस टाइम के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में कई टॉपिक्स होते हैं, उनमें ये वाला आप इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला। अब ये सब समझाया गया था क्लास में डिटेल में कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण एचआर कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। तो अपने आरएनडी एक उड़ गया और एचआर का भी कई सारे टॉपिक में एक अच्छा टॉपिक उड़ गया, तो इफेक्टिवली एचआर में बचा क्या, आरटीपीसी और हमारा रोल ऑफ एचआर मैनेजर, वो प्रियंका चोपड़ा वाला। तो बेसिकली इसको आपको बस हटाना है। 7 पे आइए, 7 पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एसबीयू को बाबू आप रीड कीजिएगा, इसके बहुत डीप में मत जाइएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। लीडरशिप में आपको रोल करने की जरूरत नहीं है एंड टाइप्स करने की जरूरत नहीं है, बट आईसीआई कई बार ऐसा भी करता है वो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ ले। तो रोल एंड टाइप्स आप लीडरशिप वाला इग्नोर कर सकते हैं। तो पूरे का पूरा जो चैप्टर 7 है उसमें एसबीयू को आपको रीड करना है केवल, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर क्वेश्चन आए तो बन जाए। और लीडरशिप में तो पूरे का पूरा बताता हूं मैं, रोल नहीं करना आपको एंड टू अप्रोच नहीं करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल या ट्रांजेक्शनल वाला था वो आप इग्नोर कर सकते हैं। देन लास्ट चैप्टर 8, इसमें स्ट्रैटेजिक चेंज, और सुनिए कर्ट लेविन कर लीजिएगा फिर भी, ये वाला इग्नोर कर दीजिएगा स्ट्रैटेजिक चेंज में। और स्ट्रैटेजी ऑडिट ना समहाउ आईसीआई को बहुत पसंद है, स्ट्रैटेजिक ऑडिट चेंज में तो आपको ये मैंने मना करवा दिया, इसमें आप रिचर्ड रूमेल कर लीजिएगा, ऊपर वाला आप फिर भी बस रीड करके छोड़ सकते हैं। इस बार कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस बार कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, स्ट्रैटेजिक चेंज बहुत कम है, और ऑडिट में भी जो ऊपर वाला जो डेफिनेशन वाला पार्ट है या व्हाई इट इज नीडेड उसका वैल्यू कम है। रिचर्ड रूमेल का जो सीएफए है वो आप तमीज से करके जाएंगे। दैट्स इट, बाकी तो फिर करना ही है। चलिए अब बाबू आपके जितने स्पेसिफिक डाउट्स हैं आप वो डाउट पूछ सकते हैं, मैं वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा पहला। और EIS के 50-60 क्वेश्चंस जो ट्रिकी वाले हैं, अगेन पर्पस क्या है ना,
एग्जाम से वन डे बिफोर, सर हम क्वेश्चन से करें कि चालीसा करें, दोनों करें, तो आप फिर केवल चालीसा करेंगे और ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ये करेंगे। रीजन भी कि जो बाकी क्वेश्चंस है ना, ऐसा नहीं कि उससे आ नहीं सकता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जो ट्रिकी वाले क्वेश्चंस है जिसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में कुछ और पूछ रहा है और बाद में रिक्वायरमेंट ही बदल दे रहा है, तो जहां भी आईसीआई ने थोड़ा भी मॉडिफिकेशन किया है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा किया है, वो सारे क्वेश्चन चुन चुन के चैप्टर वाइज हम लोग कल कर लेंगे, तो आपको भी बार याद हो जाएगा। दैट्स इट। चलिए, खुशबू कह रहा है सर एक क्वेश्चन पूछना था, आपने जो बैच में एमसीक्यू पीडीएफ प्रोवाइड की है वो सफिशिएंट है ना? देखो बाबू, एमसीक्यू सेल्फ ड्राफ्ट हो सकता है बहुत आसानी से, तो जो एमसीक्यू प्रोवाइडेड है उसमें आईसीआई 100% कवर्ड है, उसमें सेल्फ ड्राफ्टेड भी है, बट क्या और सेल्फ ड्राफ्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैंने एक चैप्टर में 50 आईसीआई किए हैं, 50 में मैंने अपनी तरफ से दिया, मैं चाहूं तो मैं 100 और डाल सकता हूं, बट उसका कोई एंड नहीं है। तो आपको इस चक्कर में नहीं रहना है कि हम जितना क्वेश्चन एमसीक्यू मिल जाए मैं कर लूंगी। मेन टॉपिक ये होना चाहिए, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना होता है वो पता होना चाहिए, एक सफिशिएंट प्रैक्टिस होना चाहिए और चालीसा बाबू कवर कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि जितने भी तरीके क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। सो इट्स बेटर कि आपको ये पता हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बजाय कि सर आप एमसीक्यू बता दो। दूसरा, सर फेसिंग डिफिकल्टी इन चैप्टर 2, 3 एंड 8। देखो गौतम, अगर कोई एक टॉपिक है जिसमें बहुत दिक्कत आ रहा है, और ये मैं एज अ टीचर हटा दो, एज अ सीनियर समझ लो, सीनियर जो आपसे पहले एग्जाम दिया है, अगर कोई एक टॉपिक है जो बिल्कुल ही नहीं संभल रहा, एंड अगर आप ये अश्योर्ड हो कि बाकी टॉपिक्स पे आपका कंट्रोल एकदम बढ़िया है, आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हो। वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है, नहीं आया तो बहुत बढ़िया, और भगवान न करे अगर वो क्वेश्चन आ भी गया तो ठीक है ना। अगर आपने एक टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है और वो हो नहीं रहा है, उस एक टॉपिक के चक्कर में आपका बाकी कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा है, इसे स्किप कीजिए, बाकी को मजबूत कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ भी गया तो ऑप्शन में छोड़ देना, ऑप्शन भी तो आएगा। सर अगर 5 मार्क्स कंपलसरी में आ गया तो बेटा 95 में 90 ले आना, ये तो बहुत सिंपल सा बात है ना। तो किसी एक टॉपिक, एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस मत हिलाइए, ये ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी है और जब एग्जाम के दौरान भी जब क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन है बन ही नहीं रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, मानो ये टेक्स में है 14 मार्क्स का क्वेश्चन है बन ही नहीं रहा है, तो बाबू उसको ना एंड में कीजिए, जो बन रहा है उसको पहले निपटाइए। सुजीत करे सर आई हैवंट स्टार्टेड रिविजन, कैन आई स्टार्ट नाउ? देखो बाबू, अगर नहीं की हो और एग्जाम देना ही है तो ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, मतलब नोबडी नोज ना कि क्या होगा, हो सकता है भगवान की कृपा हो और आप अभी जो रिवाइज करो वही आ जाए, तो बिल्कुल कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालिए बट रिवीजन कर सकते हो, अगर आपने पहले पढ़ा है बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे शॉर्टकट की पीडीएफ, बाबू शॉर्टकट की पीडीएफ क्लास के दौरान मैंने बोला था बनाने को, ठीक है, वो क्लास के दौरान बनना चाहिए था, पर आप टेलीग्राम पे किसी दोस्त से मांगिएगा, मे भी मिल जाए, और दो मैंने अलग से शेयर नहीं किया है वो, मैं ये चाहता हूं कि बच्चा खुद से बनाए। देखो, हर वो टॉपिक जहां पे याद करने में दिक्कत होता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए इंटरेस्टिंग शॉर्टकट बनाना, उस शॉर्टकट क्लास में देकर उसको याद करवाना मल्टीपल टाइम्स, अब कम से कम इतना तो एक्सपेक्टेशन में रखूंगा ना कि बच्चा उसको एक जगह लिख ले, तो वो बाबू खुद से करना था। बट अगेन, अगर आपने नहीं किया है टेलीग्राम पे मांगिएगा, टेलीग्राम पे मे भी कोई ऑफर कर दे, मैंने अपना बना के नहीं रखा है। गौतम तुम्हारा डाउट हो गया, बाबू सुजीत हो गया। मृत्युंजय कह रहे हैं सर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे उनका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आप या फिर मार्क करेंगे दिव्यास्त्र में? आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो बाबू देखो, जिसने बना लिया है ना पीडीएफ, आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा यार, जिस बच्चे को चाहिए
अब प्लीज आपस में कोऑर्डिनेट कर लो ना प्लीज। एमसीक्यू कितना करना है यार, देखो अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो जितने आईसीआई वाले हैं वो सब तो मैंने क्लास में ही करा दिया है, आई थिंक अप्रॉक्स 40-50 ईच, बाकी आपके घर के लिए था। तो कम से कम आईसीआई करके जाइए, कम से कम आईसीआई करके जाइए, हो जाएगा। और अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है और अभी तक किया ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, तब तो बाबू आंख बंद करके आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट निकालिए और बस इतना कर लीजिए ताकि एक आपको बस प्रैक्टिस हो जाए। क्या रिपीट होगा? आई डोंट थिंक सो, बस एक प्रैक्टिस हो जाए उतना। प्रीति बाबू जो 50 क्वेश्चन होंगे ना, मैं फिर बोल रहा हूं ये गेस क्वेश्चन नहीं है। सो ये क्या है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन हैं जो अगर कोई बच्चा पहली बार एग्जाम में देखेगा तो मे बी उसको आंसर जोड़ने में थोड़ा दिक्कत आए, तो मैं वो जो ट्रिकी क्वेश्चन है मैं उसको कराऊंगा बस। एमसीक्यू बाबू रिपीट आई डोंट थिंक होता है। वैसे भी एमसीक्यू का आईसीआई पेपर तो देता है नहीं, एग्जाम पेपर तो बताता नहीं है किसने क्या पूछा है, नॉर्मली रिपीट नहीं होता है। नमन बाबू वो शेयर हो चुका है, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वो बहुत पहले शेयर हो चुका है, बहुत पुरानी बात है। दीक्षांत कह रहे हैं सर ईआईएस का चैप्टर 3B का मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड ऐप कंट्रोल फ्रेमवर्क याद नहीं हो रहा है। देखो दीक्षांत, अगेन मैंने इसका आंसर दे दिया है। अगर एक टॉपिक है ये वाला, आप थोड़ा देर बैक कीजिए और ये सुन लीजिए, सॉरी कैसे करें ये वाला, अगर एक टॉपिक याद नहीं हो रहा है भगवान का नाम लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बाकी पे डबल डाउन एफर्ट लगाइए कि अगर बाकी टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा उसको नहीं जाने देंगे एक भी नंबर, देन इट्स ओके। उसके बाद मृत्युंजय मैं देखता हूं बाबू, या तो मैं टिक कराऊंगा या पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो भी होगा मैं बता दूंगा। चलिए SM का चैप्टर 8 बहुत हार्ड है। चैप्टर 8 देखो लार्ज आप बोल सकते हो, हार्ड तो नहीं है वहां पे बीपी। अब देखो वही वाला पॉइंट है, अगर पढ़ा हुआ है तो आसान है वरना टफ है। अगर आपने अभी तक नहीं भी किया है, SM चैप्टर 8 का हमने रिवीजन कराया हुआ है अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे, आप आराम से जाके वो लेक्चर देख लीजिए, आई थिंक एक से डेढ़ घंटे का होगा, डेढ़ घंटे का, उसमें आपका ये तमीज से हो गया है, उसको आप एक बार ना सही दो बार देख लीजिए, हो जाएगा। कई सारे शॉर्टकट्स आएंगे तो जहाँ जहाँ आपको लगता है ना याद करने में दिक्कत है वहाँ पे शॉर्टकट मदद कर देगा, और जहाँ पे लगेगा कि नहीं नहीं लॉजिक वाइज सही है वहाँ पे लॉजिक यूज़ कर लीजिए। सैयम बाबू वो आप प्लीज़ लास्ट टाइम वाले से कर लीजिए, जो 4B का रिविज़न है ये बात कर रहे इमर्जिंग टेक का, ये अनअकैडमी 360 वाले चैनल पे दिया हुआ है, आप प्लीज वहां से कर लीजिए, ठीक है। चलिए रुपेश बाबू सिलेक्टेड टॉपिक तो नहीं होगा, अगर चैप्टर 3 में अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है तो पार्ट 1 कर लीजिए कि कम से कम वहाँ से 5-6 मार्क्स आता है वो कंट्रोल में आ जाए, पार्ट बी भगवान भरोसे है कोई बात नहीं, बाकी जो 95 मार्क्स होगा या 90 मार्क्स होगा उसमें एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नमन, ठीक ठाक है, अगर मेन टॉपिक का हेडिंग आता है अंदर का 50% भी आता है तो पास होने के लिए सफिशिएंट है, उसमें दिक्कत नहीं है। और देखो वैसे भी ना आपको 70 में ही तो डिस्क्रिप्टिव है, बाकी 30 एमसीक्यू है, अगर आपको तमीज से आता है इसमें अगर 25 भी आ गया, एकदम 25 भी आ गया तो भी अगर हमें 35 आ रहा है तो आराम से 60 टच कर रहा है, ठीक है।
इसके अलावा 10 दिन में क्या करना चाहिए जिससे बहुत अच्छे एग्जाम EISSM में प्रिपेयर हो जाए। देखो मैं तो ये मानता हूं कि आपको एक दिन पहले याद रखना चाहिए कि एक दिन पहले आप क्या क्या पढ़ोगे, क्वेश्चंस आपके हाथ में होना चाहिए, 1 डे बिफोर आप कौन कौन सा क्वेश्चन टच करेंगे ये आप पहले ही फाइनलाइज कर लीजिए अभी। और हर चैप्टर का जितने शॉर्टकट्स हैं ये सब क्लास के दौरान हो चुका है वो रेडी होना चाहिए, इसको कई बार रिवाइज करना चाहिए। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट शॉर्टकट से आएंगे एंड फिर 40 तो है ही, दैट्स इट। चलिए नमन बाबू वो सर्च करो ना बाबू, वो आपको थोड़ा टेलीग्राम पे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, अनअकैडमी के चैनल्स पे आप पूछिएगा, मे भी मिल जाए, यहां अब नहीं मिल पाएगा, अब काफी लेट हो गया है ना, और या मैं देखता हूं अगर कल हो पाए तो मैं कल एक PDF दे दूंगा। आपके एक्सपीरियंस से पेपर टफ आएगा या इजी आएगा? देखो यार अगर आपको आता होगा पेपर तो इजी है, अगर आपको नहीं आता है तो टफ है, ये सब जो होता है ना पेपर आसान है टफ है, मैं ये मानता हूं कि अपने अपने पे है, मतलब ये किसी का एक का आंसर नहीं हो सकता है। क्या पेपर अल्ट्रा टफ आएगा? बिल्कुल नहीं, बहुत टफ तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो गारंटीड है। इनफैक्ट EISSM आज तक कभी अल्ट्रा टफ नहीं आया है, 129 मार्क्स में 100+ मार्क्स हमेशा बुक से रहा है, हमेशा हमेशा, तो टफ कैसे हो गया? हाँ ये हो सकता है कि 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये थोड़ा बाहर से आ जाए, थोड़ा टफ आ जाए, स्किप कर दो, दैट्स इट, क्या दिक्कत है, 5 मार्क्स कंपल्सरी में आ गया स्किप कर दो, 95 एग्जाम दो, टफ नहीं है बाबू प्लीज। चलिए हम लोग मिलेंगे कल, ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, होप आपको बाबू थोड़ा वैल्यू एडिशन मिला होगा। कल जब आएंगे वो 2 घंटा ना एकदम नींद लेकर आइएगा, अटेंशन टॉप पर रहेगा, आप समझ रहे हो ना, अगर 60 MCQ क्वेश्चंस हैं और हम लोग कोशिश करेंगे 120 to 150 मिनट्स में करने का, तो एक क्वेश्चन को हम देंगे 2 मिनट्स, 2 to 2.5 मिनट्स, तो वहां पर आपके सारे शॉर्टकट भी रिवाइज हो जाएंगे, बट अटेंशन एकदम टॉप पे रखिएगा। कल मिलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट। एंड हाँ जाते आते जो आपके मित्र जिनका मिड 24 में एग्जाम है आप उनको बता सकते हैं कि हमारा जो बैच है वो चल रहा है, साथ ही साथ जो मेरे खुद का बैच है इनकम टैक्स बाबू स्टार्ट हो गया है 16 अक्टूबर से, आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड CAKK। आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज है 25 MCQs 60 मिनट में 50 मार्क्स का, और डेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वाउचर इज देयर, बट ठीक है वाउचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मौका मिल जाता है अपने आप को टेस्ट करने का। यह सिस्टम का 28th को है, टेक्स का 22nd को तो चलो निकल गया, यह सिस्टम 28th को है, आज आपने सेशन कर ही लिया, कल परसों 2-2 घंटे निपटा दीजिए मेरे साथ, एक दिन और रिवाइज करके 28 को एग्जाम दे दीजिए। अगर आपका सेकेंड ग्रुप दे रहे तो अगर आप बोथ ग्रुप वाले हैं तो आई विल सजेस्ट कि भैया फिर आप अपना अकाउंट्स पे फोकस कीजिएगा, एंड ऐसा इवेंट है उस पर भी आप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। टाइमिंग बाबू 7 PM ही है, टाइमिंग 7 PM है, टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा अनअकैडमी पे, ठीक है। प्रीत बाबू 7 से 8 घंटे सोने के बाद ना आपको नहीं दुनिया में किसी को भी थकान होगी, अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो आप उसमें ना जब आप पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं सब बता चुका हूं, मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूं 2 मिनट में, एक तो 2-2 घंटे बाद कम से कम ब्रेक ले लीजिए, पानी दबा के पीजिए, फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट अगर खा सकते खा लीजिए, वरना मूंगफली खाइए, मैं अपने टाइम पे बहुत खाता था सर, क्यों बाबू इस सबसे ना एनर्जी मिलता है। कम से कम 7 आवर्स का नींद लीजिए, कम से कम, कम से कम, या आप 6+1 भी कर सकते हैं, पावर नैप,
तो आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत दिक्कत है ना, 7 घंटे प्लस 30 मिनट का भी नैप ले सकते हैं, कभी भी 8 से ऊपर मत जाइएगा, विद इन 8 यू आर जस्टिफाइड, प्रोवाइडेड आप 10 से 12 घंटे डालने को रेडी हो। और अब तो बाबू 12 घंटे डालना चाहिए, रीजन भी लास्ट टाइम आ गया है, 12 घंटे आपको देना चाहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।